28 सितंबर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। इस महान क्रांतिकारी का आगरा से बहुत ही गहरा नाता था। इन्होंने आगरा के न्यूटी दरवाजा, नाई की मंडी और हींग की मंडी में काफी समय गुजारा था। भगत सिंह के कुछ खास पहलुओं से आपको आज हम रूबरू कराते हैं जो तो शायद आज गुमनाम हो गए हैं। किराए पर मकान लेकर बनाया था बम असेंबली में किया था विस्फोट। नूरी दरवाजा इलाके में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने की थी प्लानिंग। नवंबर 1928 में ब्रिटिश पुलिस सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह अज्ञातवास के लिए आगरा आए थे। भगत सिंह ने नूरी दरवाजा स्थित इस मकान में चुनू लाल को 2.5 रुपये एडवांस देकर 5 रुपये महीने पर किराए पर घर लिया था। यहाँ सभी स्टूडेंट बनकर रहते थे ताकि किसी को किसी पर शक ना हो। उन्होंने आगरा कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया था। घर में बम फैक्ट्री लगाई थी जिसकी टेस्टिंग नालबंद नाला और नूरी दरवाजा के पीछे जंगल में होती थी। इस मकान में बम बनाकर भगत सिंह ने असेंबली में विस्फोट किया था। आपको बता दें 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजों ने सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल असेंबली में पेश किया था। ये बहुत ही नमनकारी कानून थे। इसका विरोध भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ किया। इस काम में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ रहे। घटना के बाद दोनों ने ही वहीं पर सरेंडर कर दिया। इस केस में 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई और बटुकेश्वर को उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो ये था संबंध भगत सिंह का आगरा से। मेरा नाम नवीन कुमार है। सन मैं समझता हूँ 62 या 63 के आसपास से। 62 या 63 के आसपास से यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी यहाँ रह चुके हैं। नूरी दरवाजे से आगरा से और शहीद भगत सिंह जी का नाता रहा है। तो इस घर में उसके घर के बारे में कुछ जानकारी देखिए, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो पंछी पेटे के ठीक सामने जो बिल्डिंग है जो कभी किसी एक राजा की हुआ करती थी, जो आज एक आम आदमी की है, उसमें भगत सिंह जी ने आकर किराए पे एक कमरा लिया था जो उन्होंने एक बम बनाया था जो असेंबली में फोड़ा गया था। जैसे कि अब तो इस जो जगह है इसका बहुत खास जगह है, लेकिन आज इसकी स्थिति इतनी खराब है, कोई किसी ने आज तक कोशिश नहीं की इसे बनवाने। उसका एक कारण है ये, क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग है और इस पे जो ध्यान देना चाहिए वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। आपकी दुकान के पास ही शहीद भगत सिंह जी का मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग पर्डे पूजा करते हैं या फिर उनकी शहादत होती है या जयंती हुई तभी आप लोग मालाएं चढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा है जिन लोगों को केवल जन्मदिन पे ही आना होता है वो जन्मदिन पे आते हैं, और जो दिल से अपना लगाव रखते हैं उसके लिए डेली बेस पे यहाँ पर एक इनकी माला भी चढ़ती है, इनका दीपक भी जलता है और साफ सफाई इनकी रोज होती है। शहीद भगत सिंह जी के परिवार के लोग अभी भी आते हैं, अगर कोई आता है यहाँ पर घूमने के लिए? भाई उनकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन पंजाबी सभा के लोग आते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।